वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। तेरा किया मीठा लागे, तेरा किया मीठा लागे। शहीदां दे सिरताज बाणी दे मोहिता, मानवी प्रेम दे अलंबरदार, पंचम पिता साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी दा जन्म, चौथे पातशाह साहिब श्री गुरु रामदास जी दे घर, माता बीबी पानी जी दी कुखों 1563 ईस्वी नूं गोइंदवाल साहिब विखे होया। बचपन दे मुढले 11 साल आप जी ने अपने नाना साहिब श्री गुरु अमरदास जी की देखरेख हेठ गुजारन दे नाल नाल आप जी ने नाना गुरु जी तो गुरमुखी विद्या की तालीम भी हासिल की। देवनागरी पिंड की धर्मशाला तो सीखी। आप जी ने संस्कृत का ज्ञान पंडित बेणी जी दे कोलों प्राप्त किया। गणित की विद्या मामा मोहरी जी तो हासिल की। साहिब श्री गुरु अमरदास जी का सचखंड वापसी का समान नेड़े आ जाण करके तीजे गुरु साहिब ने 1574 ईस्वी नूं चौथे पातशाह साहिब श्री गुरु रामदास जी नूं गुरगद्दी बख्श दित्ती। बाबा बुढ़ा जी ने गुरियाई की रसम नूं अदा किया। उसे दिन ही गुरु अमरदास जी ज्योति जोत समा गए। इस उपरंत साहिब श्री गुरु रामदास जी ने गुरु अमरदास जी के आशय को पूरा करने लई अपने तीनों पुत्रां पृथ्वीचंद, श्री महादेव और श्री गुरु अर्जन देव जी को नाल लेके गुरु के चक अमृतसर आ गए। सब तो पहला जो सेवा साहिब श्री गुरु अमरदास जी के समय तो चल रही थी, उस संतोख सार नु ताली दे हेठा बैठ के पूरा करवाया। अजकल उत्थे गुरुद्वारा ताली साहिब सुशोभित है। फिर श्री गुरु रामदास जी ने सन 1577 ईस्वी दे विच पिंड दुग दे जमींदारां नूं 700 अकबरी मोहरां दे के 500 विघे जमीन गुरु के चक वाली थां तों प्राप्त कीती सी, जिसका नाम बाद विच चक रामदास पै गया। इसे साल गुरु रामदास जी ने दुख भंजनी पेरी वाली थां उते एक सरोवर की खुदवाई आरंभी, जिसनू बाद दे विच साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी ने संपूर्ण करवाया। इस सरोवर का नाम अपनी दूर अंदेशी नाल अमृतसर रखा गया। इस तो ही इस नगरी का नाम श्री अमृतसर पै गया। अमृतसर सतगुर सतवादी। अमृतसर सतगुर सतवादी। कुछ समय दौरान गुरु अर्जन देव जी का विआह श्री कृष्ण चंद जी की सपुत्री माता गंगा जी नाल होया। उस वेले आप जी की उम्र 16 साल दी सी। माता गंगा जी की कुखों 1595 ईस्वी नूं 6वें पातशाह साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी का जन्म होया। गुरु अर्जन देव जी का सुभा शुरू तो ही शीतल संजम नाम बाणी विच रंगे अते गुरु पिता जी दी आग्या विच चलन वाला सी। इना दा वड्डा भरा पृथ्वीचंद
ਵੱਡਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲੋਂ ਗੱਦੀ ਅਤੇ ਧਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਰੁਚੀ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਉੱਤਰਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਮਝੀ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਇੱਧਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਕੇ ਸਪੁੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਧਰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਲਗਨ, ਪਿਆਰ, ਸਤਿਕਾਰ, ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਮਰਤਾ ਆਦਿ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ 1581 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਗੁਰਿਆਈ ਦਾ ਤਿਲਕ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਵਕਤ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ। ਦਸਤਾਰ ਬੰਦੀ ਦੀ ਰਸਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਆ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਗੱਦੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਸਦੀਵੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ, ਜੋ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਵਡਮੁੱਲੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੋਵਰ ਪੱਕਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨੀਂਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਕੀਰ ਸਾਈ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਤੋਂ ਰਖਵਾ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਿਰਤ ਪਾਈ ਅਤੇ ਸਭ ਕੋ ਮੀਤ ਹਮ ਆਪਨ ਕੀਨਾ ਹਮ ਸਭਨਾ ਕੇ ਸਾਜਨ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਮਤ 1645 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤੋਖ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੋਵਰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਸੰਨ 1647 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰਖਵਾਈ ਅਤੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੋਵਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਸੰਮਤ 1651 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਅਜ਼ੀਮ ਖਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਨੀਂਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਭੇਟਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੰਮਤ 1653 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਕਾਲ ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੰਮਤ 1656 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੌਲੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਿਖੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਰੋਵਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੋਈ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਦੂ ਤੀਰਥਾਂ ਉੱਤੇ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਅਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। 1604 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸੰਪਾਦਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੇਮ ਸਹਿਤ ਗੱਲ ਲਾਵੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰੇਮ ਸਹਿਤ।
गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच दर्ज बाणी दा लगभग एक तिहाई भाग गुरु अर्जन देव जी दा रचिया होया है। उना दे रचे हुए लगभग 1416 शब्द, 82 अष्टपदियां, 71 छंद, 24 सोहले, 107 पौड़ियां, 239 श्लोक अते 29 सवैये दर्ज हन। गुरु जी दीयां प्रमुख बाणियां हन सुखमनी साहिब 52 अखरी, 12 महा, माझ 6-12, गाथा फुनहे अते सवैये। हुण तक दे ग्रंथां दी तुलना दे विच इह ग्रंथ अपने ही किस्म दा एक विलखण अते वड्डा कार्ज है। गुरु जी दे इन्हां दोहां महान कार्जां नाल सिख धर्म हुण अहले मुकाम अते अहले किताब बन चुका है। इह एक नवें नवेकले धर्म दे रूप विच प्रगट हो गया सी। गुरबाणी दा सिद्धांत हुण लिखती रूप दे विच लोकां दे सामने प्रतख सी। गुरु साहिब वल्लों लगातार लोकां नूं सच दा रस्ता दिखाया जा रहा सी, जिस करके गुरु ग्रंथ साहिब जी दी सिरजणा तों बाद गुरु साहिब दी प्रसिद्धि चार चफेरे होर वधण लग पई सी। संगतां लगातार गुरु घर दे नाल जुड़नियां शुरू हो चुकियां सी, जिस करके विरोधी लगातार गुरु घर तो ईरखा करन लग पए सी। तन तन साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी सिखां दे पंजवें गुरु अते सिख कौम दे पहले महान शहीद होए ने, जिन्हां ने अपने धर्म अते कौम दे बदले जिंद वार दित्ती पर सिर नीवां नहीं कीता। गुरु अर्जन देव जी की शहादत सिख इतिहास दे विच पहली अते दुनिया दे इतिहास दे विच एक लासानी अते बेमिसाल शहादत है, जिसने सिखी दे वतरे बूटे नूं खून रूपी पानी नाल सींचिया। किसे उच्चे उद्देश लई निष्काम रह के शरीर की कुर्बानी देण वाला ही शहीद है। शहीद अपने विश्वास की गवाही सिदक नाल परम पाव तो रहत होके दिंदा है। भाई गुरदास जी के अनुसार ओही शहीद अखवाउण दा हकदार है, जिस विच सबर सिदक आदि जहे अमोलक गुण होण। गुरु अर्जन देव जी दा तां सारा जीवन ही पर उपकार अते किसे उच्चे आदर्श लई बतीत होया है। आप केवल शहीद ही नहीं सगो धर्म कौम देश समाज अते साहित्य एक महान उसरिये भी होए ने। तेरे कवन कवन गुण कह के गावां, तेरे कवन कवन गुण कह के गावां। तू साहिब गुणी निदाना, आप जी दे गुण अते सिफतां भी बेअंत ने, परोपकार बेशुमार हन। गुरु अर्जन देव जी दी शहीदी धर्म दे इतिहास विच, देश अते कौम दी उसारी दे इतिहास विच एक महान अते युग पलटाऊ घटना। प्रसिद्ध मुसलमान इतिहासकार लतीफ दे अनुसार गुरु अर्जन देव जी दी शहीदी मनुक्ता दे इतिहास विच इनकलाबी मोड़ दा सूचक है। इस शहादत ने सिखां नूं जुलम दे नाल टक्कर लेना, सबर संतोख नाल अकाल पुरख वाहिगुरु दा भाणा मनन अते दृढ़ता नाल अपने हक्कां दी रक्षा कर सकण दा चज सिखा के सिखी दे महल दीआं नीहां नूं ऐसा पक्का अते मजबूत कर दिता के आउण वाले समें दे जुलम अते चखड़ इसदा कुछ ना बिगाड़ सके। इस शहादत ने सिख मर जीवड़िया नूं मरण दी एहो जिही चांद सिखाई के ओहो बहुर ना बरना होए दे लक्ष्य नूं प्राप्त हो गए। इस शहीदी नाल
सिख इतिहास विच शहीदियां दा एक नवा अध्याय आरंभ होया। सिख धर्म दे इतिहास दे विच गुरु अर्जन देव जी दी शहादत केवल गुरु अर्जन देव जी तक ही सीमित नहीं सी, सगो समुचे सिख धर्म दे विरुद्ध सोचिया समझिया हमला सी। इस शहादत दे कारणां नूं समझण लई सिख धर्म दे सिद्धांतां दी विलखणता ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਨੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਪਤੰਗ ਜੋ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਪਤੰਗ ਜੋ दर्शन देख पतंग जो दर्शन देख पतंग जो ज्योति समानी ज्योति अंदर ज्योत समान गुर इना परिस्थितियां दे विचों एक परिस्थिति ए सी कि जदों गुरु जी नूं यासा दे अधीन तसीहे दे के मौत की सजा दा हुक्म कीता गया सी। इस दा उद्देश सिख धर्म नूं स्थापित होण तों रोकणा सी अते गुरु साहिबान तों लोकां दे विश्वास नूं खत्म करना सी। इस हुक्म विच इस्लाम दे धार्मिक लोकां दी सम्मति वी नाल सी। इस विच काजियां मुल्ला तों इलावा शेख अहमद नक्शबंदी सरहंदी वर्गियां कट्टरपंथी धार्मिक हस्तियां दा वी हथ सी। गुरु जी नूं यासा दे अधीन अति कष्टदायक तसीहे दिते गए। साईं मियां मीर गुरु अर्जन देव जी नूं दिते तसीहियां नूं देख के बहुत दुखी होए। उन्होंने गुरु जी तो दिल्ली सरकार अगे रोस प्रगट करने की मंग की। गुरु जी तत्ती तवी ते बैठ के भी शांत चित अते अडोल सन। उन्होंने साईं जी नूं कहा कि यह सब कुछ रब दे भाणे विच हो रहा है, भाणे विच रहण विच ही परमात्मा की खुशी है। उन्होंने संसार नूं भाणे विच रहण का संदेश दिता अते प्रत्यक्ष रूप दे विच पाणा मन के गुरमुख दे आदर्श नूं साकार कीता। सूरज किरण मिले जल का जल बुआ गुरु जी दी शहीदी एक आदर्शक अते युग पलटाओ विलखण अते लासानी शहादत सी। उन्होंने मनुखता दी भलाई दे विच शहीदी दित्ती। उन्हां दा कोई दोष नहीं सी। उन्होंने रब दे भाणे नूं मिठा करके मन्निया अते तीरज अते शांतमई रहिंदिया अते अकह कष्ट सहारे भारतीय परंपरा दे विच इह पहली शहादत सी जो किसी महापुरख ने हक सच अते धर्म दी खातिर दित्ती सी। इसे लई गुरु अर्जन देव जी नूं शहीदां दे सिरताज कह के सन्मानिया जांदा है। साडा वी इह फर्ज है कि असी गुरु चरणां दे विच अपना तन मन धन अर्पण करके सिख सिद्धांतां दे धारनी बणीए, गुरमत दा प्रसार अते प्रचार करिए, गुरबाणी दा चानण जग विच फैलाइए। अज जदों सारा सिख जगत
हर नानक नाम लेवा। गुरु अर्जन देव जी की शहादत पूरी श्रद्धा और सतिकार नाल मना रहे हैं। सानू अपने अंदर चाची मारनी चाहिए है कि असी उस महान क्रांतिकारी विचारधारा के धारनी बन सके हाँ, कि असी कुर्बानी सेवा सिमरन किरत करन वंड छकण अते नाम जपण दी महान विचारधारा नूं त्याग के मन मत दे धारनी हो के निज प्रस्ती पदार्थवाद पखंड कूड़ कपट अते मन होर अते मुख होर दी नीति दे शिकार तां नहीं हो रहे कि ओह महान मुकम्मल क्रांति दा दौर मुड़ उसे थां उते तां नहीं पहुंच गया जिस कुंभी नरक दे विचों लुकाई नूं कढ़न लई गुरु नानक देव जी ने एक सच धर्म दा नवा मार्ग दिखाया सी। अजे भी वेला संभालिए अपने महान विरसे नूं समझिए संभालिए अते इसे सही अते योग वारस बनिए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।